नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रेगनेंसी में चाय कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला को 1 से 9 महीने तक अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना पड़ता है। गर्भवती को अपने खान पान पर खास ध्यान देना होता है, क्योंकि माँ के खाने पीने का सीधा असर पेट में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिला के लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको प्रेगनेंसी के दौरान चाय के सेवन के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो लोग चाय कॉफ़ी पीने से फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन गर्भवती को पीना शिशु के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को अदरक वाली चाय का सेवन शुरू दिनों में यानी कि पहली तिमाही में नहीं करना चाहिए। अगर करती है तो गर्भपात का खतरा हो सकता है। पाउडर दूध से बनी चाय नहीं पीना चाहिए। जो महिला को चाय पीने की आदत बन चुकी है, वह हर्बल टी, लेमन टी या ग्रीन टी का सेवन कम मात्रा में कर सकती है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि चाय ज़्यादा गर्म न हो। अगर ज़्यादा गर्म चाय पीती हैं तो पेट में शिशु का स्किन जल सकता है और शिशु को परेशानी भी हो सकती है। दोस्तों, ज़्यादा चाय का सेवन से शिशु का रंग भी सांवला हो जाता है, इसलिए इसका सेवन कम मात्रा में करें। दोस्तों, अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट या बेबी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट अवश्य करें। आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्त व सहेलियों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।